अंडे की चुगली माँ, तुम्हारा सब जने का स्वागत है। ये जो लाल लाल सब्सक्राइब के बटन दिखा थी ना, यही दबा के करिया करिया कर लिया। और हाँ हाँ, ये घंटों को दबा लिया जैसे हमारा वीडियो सबसे पहले तुम्हारे तक पहुँचे। और जो ये अंगूठा दिखा थे ना, ये दबा के वीडियो का लाइक कर लिया और यंते सब जने का वीडियो शेयर कर दिया। तो चला फिर आज का वीडियो शुरू करी। का जरूरी रहा है कि रेगुलर पढ़ाई पढ़ाई जात? अरे प्राइवेट नहीं को पढ़ाता, एक तो मोजू का बवाल भा, अपना तो बढ़िया सब जने आराम से रहेंगे, सारा काम माँ ऊपर टीप दे है। मैं तो अघाए आऊंगे घर में, मोज जिंदगी नरक बन गए। अब ये मैडम जी आके सीधे कमरा में पसर गई हैं, मानो बस बहुत बड़ा पहाड़ खोद के आए आई हमें। वहीं से फरमाई है, भौजी क्या बनाए है? भौजी बहुत तेज से भूख लगी, भौजी कुछ अच्छा खाना मत दे। अरे भौजी ना होएगी, इनके नौकरानी होएगी। भौजी कहाँ? भौजी बहुत तेज से भूख लगी। ये ले शैतान का नाम लेन, शैतान हाजिर, चालू हो गए इनके फरमाइश। ओ भौजी ते किचन में हां, भौजी बहुत तेज के भूख लगी, का बनाए है? चल हट जल्दी में देखो भला। वाह भौजी इतनी मस्त सब्जी, वाह का करारी करारी रोटी दिखाती हैं भौजी। मैं हाथ मुंह धो के आवत हूँ, फिर खाना खाई चल साथ है आज। तुम खा ले, मैं भूख नहीं है, मैं पेट आज बहुत भरा है, मैं छक गई हूँ बनाए बनाए। वाह भौजी हमेशा तो ऐसा करती है, जब भी साथ खाएं का साथ बैठे का कुछ भी कहा थे हमेशा मना कर देती है। अच्छा तो अब खाना तुम्हारी मर्जी से खाओ, दिन भर सारा काम मैं करत हूँ, थक जात हूँ, नेहा मन भी खा का किया मैं तुम कह का मुँह बनौती हो। ठीक है भौजी। आई बड़ी साथे खेबे भौजी। अरे इतनी सारी मिस कॉल, वो चिंकी के का बात है? लगत है खाना खा लगी हूँ, तो ध्यान नहीं दिन लगा के देखत हूँ, कुछ काम जरूरी ना हो। हेलो चिंकी, फोन किया था तुमने? हाँ यार किया था, पर तुमने उठाया ही नहीं। अरे यार वो थोड़ा मैं खाना पीने खाने लगी थी तो देखा नहीं मोबाइल। बताओ क्या काम है, कुछ जरूरी काम था क्या? अरे कल मेरा बर्थडे है तो बस सब लोगों को याद किया है, कल सबको आना है। पर हाँ एक बात है, मैंने सब सहेलियों को बोल दिया है कि सब कल साड़ी में आएंगे, ये हमारी पार्टी का थीम है। अरे चिंकी तुम तो जानती हो ना मुझे साड़ी नहीं आती पहनना, फिर मेरे पास तो कोई साड़ी भी नहीं है। देखो तुम प्लान ना चेंज करवाओ, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, और तुम ही बताओ हमारे थीम में नहीं शामिल होगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, मेरा बर्थडे है, बर्थडे गर्ल को नाराज नहीं करते। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। देखो ठीक है, मुझे और भी कॉल करनी है, मैं भी रखती हूँ, कल जरूर आना। बाय। चिंकी तो और एक था अलग करत रहा थी, अब मैं कैसे साड़ी ढूंढू कहाँ ढूंढू कुछ समझ नहीं आता। अरे यार भौजी के पास तो गजब गजब के साड़ी है, एक बार भौजी से मांग के देखा था। मांग के देखे का है भौजी, मुझे मना नहीं कर सकती यार। हाँ ये सही रही, भौजी से मांगा था। भौजी ओ भौजी सुन थोई, एक तो काम है, काम के बिना तो याद कर ही नहीं सकती यू। मावा कौन काम है तुम्हारा? अरे भौजी कल मुझे सहेली का बर्थडे है, वह के बारे में तुमसे बात करने का रहा है। बर्थडे है तो जा, मैं कब तुम्हें रोका था? फिर मोया घर में कौन चला थी, मुँह सुनते को हवे? नहीं भौजी कहाँ बोला थे ते, ऐसी बात नहीं है, बात यह है कल मुझे सहेली के बर्थडे में सब सहेली साड़ी पहन के होती है, तो अगर तुम अपन एक साड़ी मुझे दे दिया वो नारंगी वाली, वो बहुत अच्छी लगे थी मुझे, तो बन जाए। अब ऊंट पहाड़ के नीचे दे तो तुम्हें साड़ी रह। भौजी क्या सोचा थी? अच्छा नारंगी वाली ना दे तो आसमानी वाली दे दे, जोन भैया पिछले साल करवा चौथ में दिलावा रहा है। देखा बेटी मैं साफ साफ कहा करती हूँ, मुँह कपड़ा को पहने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर तुम्हें ना साड़ी पहने आवे न संभाले आवे, मुँह इतनी नीक साड़ी के ऐसी तैसी करके धर दिया तो का मतलब? ठीक है भौजी कोनो बात नहीं, मैं अपने कोनो दूसरे सहेली से मांग ले हूँ। मैं जाऊँ देखा जाऊन करा, मैं अपन साड़ी ना देहूँ तो ना देहूँ। अपन डोल नहीं देखती है, आई बड़ी साड़ी लें। ससुघर के भरम जाल के मारे ना कहूँ से बात करे मेरे ना कुछ हो। ला मैं आज बहुत दिन से नहीं बात करे हूँ, रीना से बात तो करो। हेलो रीना क्या हाल चाल है? ते तो आजकल फोन नहीं करती है। वो तो बढ़िया है, ते आपन बता तो क्या हाल चाल है? ठीक है यार सब का बतावे खे। तो इतना उदास उदास कहे बोलती है, तो इतनी अच्छी फैमिली है, सास है पति है, एक तो ननंद है जी की शादी हुई गई, एक तो है ननंद जो कि तो लगे रहा थी, तो ये तो कितना अच्छा है, फिर भी तो ऐसा बोलती है। यह ननंद तो मोजी का जंजाला है और का है,
ऐसा कहाँ होएगा? अरे रीना, अब तो इसे तो कुछ छुपा नहीं है, अब तो इसे का छुपाऊ मैं। इतने खर्चा होती घर के का कम रहे हैं मैं कि एक था नवा खर्चा पाल रही। का जरूरी रहा है कि रोज रेगुलर स्कूल भेजे? अरे प्राइवेट ना लिखवा देत होएगा, घर में रहा तो कम से कम मुँह हाथ बटाओ काम है मा। अब महारानी मैडम की तरह जाती है, अब मैडम की तरह बन के आती हूँ मैं। अच्छा हाँ यार, अब काले के बाद देख ले, मैडम जी मुझसे साड़ी मांगती रही कि भौजी मुझे साड़ी दे दे। अच्छा तब तो दे देनी है ये ना, कौन वाली साड़ी देनी है? साड़ी मैं पहनावत हूँ वही लहंगा, मैं अपनी इतनी नीकी नीकी साड़ी वही दे सकत हूँ भला? ना पहने के अकल, ना सोढ़े के अकल, का तो फाड़ फूड़ के ले आवे वो मैं दाग दूग लगा ले तो। यहाँ बात सही है। अच्छा ये सब छोड़, एक बात आप जैसे कहा करा है, जन कॉलेज के अंत में हम फोटो खिंचा रहे हैं, वो फोटो मैं व्हाट्सएप में भेज देने, गलती से मोए मोबाइल से डिलीट हो गई है। अच्छा वो वाली फोटो? हाँ भेज दे। हाँ वो मुझे कितनी नीक लागत रही है ना, तो साड़ी कितनी मस्त रही है यार, क्या पहने रही है अम्मा खेर? अरे नहीं यार, मोर अम्मा कहाँ ऐसी साड़ी पहने थी, वो मोर भौजी की साड़ी आ रही है पूरे 15,000 के, पर मैके से लेके आई रही है, वही का भाई ले आई रही सी। जी कहते पूरा सत्यानाश कर देने रहे हैं। हाँ यार वो कसत फाट गई, मुझे तो पता ही ना चला। सही बताऊँ मैं बहुत तेज डरानी रही हूँ कि अरे गुहार अब तो घर में आफत मच जाई, पर यार मोर भौजी तो मुझे का एक शब्द नहीं कहे सी, आप पता नहीं हो सकते थे अम्मा का डरात रही हो या फिर इतनी नीक वो हो बे करे। पर जो भी हो वो साड़ी मैं सच में बहुत अच्छी लागत रही हूँ, अफसोस तो महू का है वो साड़ी के फाटे का, पर कोनो बात नहीं, मो भौजी मुझे कुछ नहीं कही सिया, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लाग हवे। ऐसी भौजाई भगवान सबका दे, जैसे मो भौजाई है ना, बहुत अच्छी भौजाई है। वाकई तो भौजी बहुत अच्छी है, सबका तो यार पता नहीं, पर तो ननन कैसी भौजाई लागत है ना मिली पूरे जिंदगी में। मतलब अब मतलब भी मैं समझाऊं? समझी नहीं हूं तो कहां कहां चाहती हूं? देख यार मैं ज्यादा घुमा फिराती हूँ, उल्टा सीधा बोले पसंद नहीं करती हूँ, मैं सीध सीध कहा था तो भौजाई की साड़ी 15,000 की रही, तभी का फाड़ देने कुछ ना कहीं, तो ननन एक दिन साड़ी पहनने का मांगिस तभी का एक दिन खिलाने ना दे सकी। अब तो सीधा मतलब यह निकला था ना कि तो ननन की नसीब में ऐसी भौजाई है ही नहीं है। समझ गये रीना ते कहाँ कहाँ चाहती है, सच मत आंखी खोल देने मोर। चल मैं आ जाए अपने ननन से माफी मांगी हूँ, और वही का वह साड़ी का वो जो कुछ मांगी मैं वही का हर एक चीज दे हूँ। अंत भला तो सब भला, चल ठीक है अब मैं रखा हूँ। भैया बनिहारा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो तुम हो पंचे मुझे माफ कर देना, और हाँ अगर यह कहानी से तुम्हें कुछ सीख मिली हो या फिर यह कहानी नीक लागू हो तो वीडियो का लाइक जरूर कर लेना, और चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर कर भूल बैना करा। मैं जात हूँ अपने ननन से माफी मांगे, गलती तो मैं करे हूँ।